सामाजिक संगठन सर्वधर्म सेवा संस्था द्वारा हसदेव के घने जंगल को शासन प्रशासन द्वारा काटे जाने पर नाराज पर्यावरण प्रेमियों के साथ अपनी गुहार लगाई। साथ ही दुर्ग कलेक्ट्रेट पहुंचकर महामहिम राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। सामाजिक संगठन सर्वधर्म सेवा संस्था द्वारा सरगुजा स्थित हसदेव के घने जंगल को शासन प्रशासन द्वारा जिस तत्परता से काटा जा रहा है उसके विरोध में तथा उसे तत्काल रोके जाने के नाम पर मंगलवार को बड़ी संख्या में संस्था के पदाधिकारी और पर्यावरण प्रेमियों ने महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन संस्था के अध्यक्ष प्रतीक भोई की अगुवाई में दुर्ग जिलाधीश को सौंपा। साथ ही संस्था द्वारा महामहिम को दिए गए ज्ञापन में जंगल कटाई को तत्काल रोकने के साथ पुराने वन अधिनियम को रद्द करके नए व कठोर वन अधिनियम बनाने हेतु उस पर दृढ़ता से पालन करने हेतु निवेदन किया गया है। इस दौरान उन्होंने बताया कि पिछले 5 वर्षों से दिन ब दिन बढ़ते भौतिक विकास, अनियमित दिनचर्या, नई नई बीमारियां, कमजोर होती रोग प्रतिरोधी क्षमता, घटता जल स्तर, बढ़ते प्रदूषण से पर्यावरण के अति महत्व को भली भांति समझ चुके हैं। इस कारण प्रत्येक व्यक्ति व संस्थाएं अपने स्तर पर प्रदूषण के खिलाफ अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, वो चाहे वृक्षारोपण हो या पानी बचाने का या प्लास्टिक के बहिष्कार का हो। और ऐसे समय में हसदेव के लाखों पेड़ पौधे और जीव जंतु जैविक विविधता से युक्त घने जंगल को काटना उन सभी पर्यावरण प्रेमियों का अपमान है जो प्रदूषण समाप्त करने हेतु एक एक पौधे को पेड़ बनाने में धैर्यपूर्वक कठिन परिश्रम कर रहे हैं। इस संबंध में उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। यहाँ पे कलेक्टर साहब को हसदेव में जो बेरहमी से जंगल की कटाई हो रही है उसके विरोध में संस्था की ओर से ज्ञापन देने आए हैं, क्योंकि हमारी संस्था जो है वृक्षारोपण के क्षेत्र में भी मैं ही काम कर रही है और मैं भी काम कर रही है, क्योंकि अंगदान देहदान का क्षेत्र भी चल रहा है, लेकिन वृक्षारोपण का हमारा बेसिक कार्यक्रम रहा है। हम लोग वृक्ष लगाते हैं, उसे पौधे होने तक बढ़ाते हैं, तो हमें दर्द मालूम है कि एक वृक्ष को पौधे से पेड़ बनने में किन किन तकलीफ़ों से गुजरना पड़ता है और कितना समय लगता है। काटने में तो कोई समय नहीं लगता, तो हमारी संस्था की मांग है कि ये जो बेरहमी से कटाई चल रही है हसदेव अरण्य की, उसे तत्काल प्रभाव से बंद किया जाए। अब ये इसके डिटेलिंग में तो नहीं जाएंगे, लेकिन हाँ इतना सुनने में आया है कि किसी इशारे पे किसी को कोल माइंस देना है, इसलिए ये चल रहा है। हालांकि इसमें जो कोल की जो क्वालिटी है, ऐसा सुनने में आया कि उसका स्तर इस लायक नहीं कि थर्मल पावर में उसको यूज़ किया जा सके, तो जाहिर है कि उद्योगपतियों को बेचने के इरादे से ही कोल माइंस दी जा रही होगी। आज हम सरगुजा स्थित हसदेव जंगल को जो बुरी तरह से काटा जा रहा है उस कटाई को रोकने के लिए महामहिम के नाम का ज्ञापन जो है वो दुर्ग कलेक्टर को देने आए थे। और जिस तरह से इसके पिछले बार भी प्रयास किया गया था, तो हमने आंदोलन किया था, हमने महामहिम राष्ट्रपति जी को ज्ञापन दिया था और उसे फिर बंद कर दिया गया था, लेकिन आज पुनः जिस तत्परता से चालू किया गया है कटाई का काम उससे हम काफ़ी दुखी हैं और शासन प्रशासन के लिए थोड़ी नाराज़गी है। तत्काल बंद होने के लिए हमने निवेदन किया, क्योंकि पर्यावरण की जो महत्व को हम पिछले 3-4 वर्षों से हम सारे लोग बहुत भली भांति जानते हैं, क्योंकि ये पर्यावरण जो है, जो दिनचर्या है, तेज़ी से बढ़ती विकास गति है, तेज़ी से बढ़ती बीमारियां हैं, मानसिक तनाव है और लोगों का इम्यून सिस्टम ख़त्म होते जा रहा है, इन सब को देख के हर आदमी पर्यावरण के प्रति जो है जागरूक हो गया है। हर कोई आप मीडिया में देख रहे हैं कि हर कोई एक पौधा दो पौधा ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लेने का काम, उनको संरक्षण देने का काम कर रहे हैं, और ऐसी स्थिति में यदि कटाई होना निश्चित दुर्भाग्यपूर्ण है और चिंतनीय है। आज हमारी संस्था कलेक्टर के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति जी को एक ज्ञापन दिए हैं, जिसमें हसदेव जंगल की अंधाधुंध कटाई को रोकने के लिए तुरंत मतलब रोकने का किया जाए, और हम सरकार से अपील करते हैं कि इस कटाई को तुरंत रोका जाए ताकि मतलब लोगों का जीवन और पेड़ को बचाया जा सके। सर्वधर्म सेवा संस्था के एक छोटा सा सदस्य हूँ। पर्यावरण बचाना बहुत ज़रूरी है मानव जीवन के लिए और हम सबके जीवन के लिए। वहाँ हजारों जीव जंतु पलते हैं, पर्यावरण विकृत हो जाएगा तो हमारे जीवन में ही विकृति आ जाएगी। कहा जाता है कि हसदेव जंगल 1500 स्क्वायर फीट में फैला हुआ है और वो भारत का फेफड़ा कहलाता है।
और हमें विकास के नाम पर वनों की अंधाधुंध कटाई रोकना बहुत ज़रूरी है और हम शासन प्रशासन से अनुरोध करते हैं कि उस पर तत्काल कार्रवाई किया जाए और वहाँ जो विरोध दर्ज कर रहे हैं पर्यावरण को बचाने वाले और जो जंगल जमीन बचाने वाले आदिवासी या जो भी हैं वहाँ के कार्यकर्ता उनको तत्काल रिहा किया जाए। बेवजह जो बचाने वाले को ये गिरफ्तार कर रहे हैं बहुत ही गलत है। मैं तो कहता हूँ कि उन लोगों को बहुत ही बढ़िया सम्मान किया जाए क्योंकि वो लोग पर्यावरण बचा रहे हैं। जैसे शर्मा साहब ने कहा कि एक पेड़ को बनाने में 5 साल 10 साल लग जाते हैं, बच्चा ही जैसा पालते हैं और वो हमें ऑक्सीजन देता है, हमारा जीवन देता है। इसको हमें समझना चाहिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी और अतः शासन प्रशासन से अनुरोध है कि वो इस पर कार्रवाई करें। नमस्कार। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।